गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ योजना निर्माण से पूर्व आवश्यक सामग्री। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हमारी पाठ योजना है वह बहुत आवश्यक या महत्वपूर्ण योगदान रखती है, क्योंकि हम शिक्षण प्रक्रिया में देखते हैं तो पाठ योजना का तैयार होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हमें जानना आवश्यक है कि इससे पाठ योजना बनाने से पूर्व या बाद में हमें किन किन प्रकार से सावधानी रखना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं पहला पॉइंट, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता होना। इसके अंतर्गत हमें देखना है कि जब हम पाठ योजना तैयार कर रहे हैं तो छात्रों को पूर्व ज्ञान है या नहीं, अगर है तो हमें पाठ योजना किस प्रकार बनानी है इसका विशेष ध्यान हमें रखना है। इससे संबंधित जो भी विशेष सामग्री होगी वह कहाँ तक समर्थ है, कहाँ तक छात्रों को समझ में आएगी, इसका भी हमें पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। और हमें इसमें ध्यान देना है कि छात्रों को कितना पढ़ाया गया है, उससे उस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अध्यापक जिस विषय वस्तु से पाठ योजना तैयार कर रहा है उसको उसका अच्छा ज्ञान है या नहीं, क्योंकि एक अध्यापक को अगर हम कहें तो पाठ योजना बनाने से पूर्व उसे विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक। अगर उसे विषय वस्तु संबंधित ज्ञान ही नहीं है तो वह पाठ योजना बनाने में असफल रहता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि भूगोल के अंतर्गत दिन प्रतिदिन नई चीज़ें आती रहती है, न्यूज़ में आती है, घटनाएं होती रहती है, क्योंकि भूगोल के शिक्षक को इन सब चीज़ों की नई नई जो भी चीज़ें आती है उनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक, क्योंकि समय के साथ परिस्थिति के साथ हर चीज़ें बदलती हैं। हमारी शिक्षा के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमारी जो शिक्षा है उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। तो अगर हम कहें तो एक अध्यापक को समय समय पर संपूर्ण जानकारी रखनी की जाए, वह आर्थिक परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, या हम कहें राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है, इन परिवर्तनों संबंधित चीज़ों को जो भी अपडेट आते रहते हैं उनका ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम इसमें तीसरा पॉइंट देखते हैं सीखने की सिद्धांतों का ज्ञान। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक ने सीखने सिखाने के अंतर्गत भी काफ़ी परिवर्तन किए हैं। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि जो पाठ योजना है वह सीखने सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, ताकि जो बालक है वह उस चीज़ को अच्छे से सीख सके। तो ये था सीखने के सिद्धांतों का ज्ञान होना। फिर नेक्स्ट है बालकों की रुचि का ज्ञान। बालकों की रुचि का ज्ञान
से पूर्व बालकों की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। अगर पाठ योजना बालकों के अनुरूप नहीं बनाई जाती है तो छात्र में रुचि का अभाव रहता है। इसलिए हमें देखना है कि छात्र को कौन सी चीज़ पढ़ाने में रुचि उत्पन्न होगी है, उसके अकॉर्डिंग हमें पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। जो कि अगर एक अध्यापक अगर पाठ योजना बालकों के अनुरूप नहीं बनाता है तो वह प्रक्रिया अध्यापक केंद्रित प्रक्रिया कहलाती है। अध्यापक जो होता है वह अपने अकॉर्डिंग पाठ योजना का निर्माण करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण विधियों का ज्ञान। शिक्षण विधियों का ज्ञान, अब हम देखते हैं कि अध्यापक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। शिक्षण विधि में कि क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, इसकी जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भूगोल के अध्यापक होते हैं उन्हें किस विधि से अध्ययन करवाना है इसका भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे अगर हम कोई भी प्राकृतिक शिलाकृतियाँ पढ़ा रहे हैं तो उसको हम प्रदर्शन विधि के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, या हम कोई धाराएँ पढ़ा रहे हैं, ज्वारभाटा पढ़ा रहे हैं, भूकंप पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम प्रयोग के द्वारा भी बता सकते हैं। तो इन शिक्षण विधियों का उपयोग शिक्षण प्रक्रिया में कहाँ करना है इसका ज्ञान भी अध्यापक को होना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी एक अध्यापक इन शिक्षण विधियों का शिक्षण विधियों के माध्यम से अध्ययन कार्य करवा सकता है। अब देखते हैं शिक्षण सामग्री का ज्ञान। शिक्षण सामग्री का ज्ञान, अब इसके अंतर्गत देखते हैं कि अध्यापक को शिक्षण सामग्री का ज्ञान भी होना चाहिए कि कक्षा में हमें शिक्षण संबंधित जो सामग्री है उसको कहाँ हमें यूज़ करना है वह चीज़ भी हमें आनी चाहिए। कि हमें एक शिक्षक का दायित्व तो होता है कि वह कक्षा में उन चीज़ों का ध्यान रखे कि शिक्षण सामग्री किस स्तर के लिए कितनी उपयोगी है, कितनी चीज़ें उसको इस्तेमाल में करनी है, इसका ज्ञान होना भी बहुत एक अध्यापक को होना भी बहुत ही आवश्यक है। जिससे एक अध्यापक उन शिक्षण सामग्री का उपयोग करके छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकता है। तो ये था पाठ योजना निर्माण से पूर्व सावधानियाँ, जो कि अध्यापक को पाठ योजना बनाने से पूर्व या बाद में सावधानी रखनी चाहिए ताकि पाठ योजना का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि जो छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर भी पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए। अब इससे संबंधित आज का आपका असाइनमेंट है आवश्यक सावधानियां बताएं कि पाठ योजना निर्माण से पूर्व आवश्यक सावधानियां बताइए। क्वेश्चन आपका अपनी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप अपने मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए। जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।